एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। आज पाठशाला का पहला चैप्टर आपको इसी बात का एहसास कराएगा, कैसे जिस भारत पर गोरों ने सालों साल राज किया, आज वही वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के सामने झुककर कह रहा है कि जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। वही लोग कह रहे हैं आज, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश कैसे इंडिया को सलाम ठोक रहे हैं। आज आपको जब यह दिखाऊंगा तो बतौर भारतीय आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। इस कहानी का प्रमुख किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं, लेकिन यह कहानी 140 करोड़ भारतीयों की सक्सेस स्टोरी है। और आज आपको यह कहानी बताऊं उससे पहले इस पूरी खबर का आपको महत्व समझना होगा कि किस बैकग्राउंड में यह कहानी हो रही है। यह पूरी खबर सामने आई जिस वक्त मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे दुनिया पर भारत एहसान कर रहा है, उस वक्त आपको देखना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। इस वक्त दुनिया में स्लो डाउन है बॉस, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। कोई 1% कोई 2% से बढ़ेगा, ये आपको बार बार बताया कि ये हालात है, इंडिया टॉप पर रहेगा, ये आपको बताया है। दुनिया में मंदी चल रही है, आपको ये भी बताया। भूखमरी का आलम है, खाने के लिए नहीं है, ब्रिटेन जैसे देशों में लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं, लोगों की नौकरी जा रही है, ये हालात है दुनिया के अंदर, नौकरियां जा रही हैं। रिकॉर्ड महंगाई है बॉस दुनिया के अंदर, अभी भारत में भी रिकॉर्ड, भारत में भी महंगाई जो है वो बढ़ी, लेकिन अभी भी दुनिया की रिकॉर्ड महंगाई के मुकाबले बहुत कम है महंगाई भारत। तो ये दुनिया का हाल इस वक्त हो रखा है, जिस वक्त अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसी बीच, इसी हालात के बीच एक देश है जो दुनिया को नौकरी दे रहा है, उम्मीद दे रहा है, और क्या दे रहा है आपको पता है, 6.5 लाख करोड़ रुपए दे रहा है। और वो देश कौन है आपको पता है, उस देश का नाम है अपना भारत, अपना इंडिया बॉस। जब दुनिया ये झेल रही है, हम 6.5 लाख करोड़ रुपए कहां दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, आज आपको बताऊंगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी उसका सबसे बड़ा सबूत है ये, और ये सबूत है वो डील जिसे लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस भारत को थैंक यू करते नहीं थक रहे, वो डील जो ग्लोबल मार्केट में छाई मायूसी में एक बंपर खुशखबरी लेकर आई, वो डील जो छटनी के दौर में बंपर नौकरियों का ऑफर लेकर आई, और ये डील हुई है, ये डील की है भारत की कंपनी एयर इंडिया ने। कल एयर इंडिया ने एक ऐसी डील की है जिसे कमर्शियल विमानों के सेक्टर में मदर ऑफ ऑल डील, जैसे कहते हैं ना हर डील का बाप, हिंदी में कहते हैं हर डील का बाप है, वैसे अंग्रेजी में कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील, वैसी डील एयर इंडिया ने की है। जिस वक्त गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य को लेकर इतना घबराई हुई हैं कि छटनी कर रही हैं, कर्मचारियों को निकाल रही हैं, इंडिया की कंपनी एयर इंडिया ने एक साथ 470 हवाई जहाज खरीदने की डील की, एक साथ 470 हवाई जहाज खरीदने का फैसला कर लिया, डील कर ली, और यह एविएशन सेक्टर की आज तक की सबसे बड़ी डील है, इससे बड़ी डील आज तक नहीं हुई। आप देखिए एयर इंडिया क्या कह रहा है, एयर इंडिया कितने विमान खरीद रहा है, 470 विमान खरीद रहा है। इससे पहले जो सबसे बड़ी डील कही जाती थी एविएशन सेक्टर की वो 2011 में हुई थी, वो किया था अमेरिकन एयरलाइंस ने, और तब उसने 2011 में कितने विमान खरीदे थे, 460 विमान खरीदे थे अमेरिकन एयरलाइंस ने। अब भारत के टाटा समूह ने जो एयर इंडिया खरीद लिया है, उस एयर इंडिया ने 470 विमान एक साथ लाओ दो ये डील कर ली। यानी दुनिया जब घबरा रही है कि नहीं अभी हमें अपने पांव नहीं पसारने हैं, भारत ने अपनी चादर ही डबल कर दी, मानो कह रहा हो भाई जितने पांव पसारने पसारो, हमारे यहां चादर वादर देखने की जरूरत नहीं है, जितना पैर फैलाओगे उतना चादर है हमारे पास। ये है इंडिया आज की डेट में। अब इस डील की थोड़ी सी डिटेल पहले समझ लीजिए कि डील हुई किस किस के साथ है। 470 विमानों की डील है, 470 विमान एयर इंडिया खरीद रहा है, और इस 470 विमान में ये एयर इंडिया खरीद रहा है, इसमें 220 विमान जो है ये बोइंग कंपनी से खरीदे जा रहे हैं, ये अमेरिका की कंपनी है, यूएस बोइंग अमेरिका की कंपनी है, हवाई जहाज बनाती है, उससे 220 विमान खरीद रहे हैं, और जो 250 विमान और हैं 470 में से वो खरीदे जा रहे हैं फ्रांस की कंपनी है एयरबस, ये फ्रांस की कंपनी है।
इन दोनों को मिलाकर ये 470 विमान की डील हुई है। 220 तुमसे खरीद लेंगे अमेरिका, 250 विमान तुमसे खरीद लेंगे फ्रांस, लेकिन उछल कौन रहा है? ब्रिटेन भी। वो क्यों उछल रहा है ये भी आपको बताऊं। और इस डील की रकम जो है, ये डील कितने में हुई है इसको कहिए, अगर आप डॉलर में समझते हैं तो 80 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर, यानी उसको रुपये में कीजिएगा तो 6,40,000 करोड़, करीब 6.5 लाख करोड़ की डील है। एयर इंडिया ने बताया कि इस डील की पहली खेप 2023 के आखिर के महीनों में मिल भी जाएगी, जबकि ऑर्डर का बड़ा हिस्सा 2025 तक पूरा होगा। एयर इंडिया ने पहले ही अपनी फ्लीट और नेटवर्क विस्तार में तेजी लाने के लिए 11 लीज्ड बोइंग 777 और 25 A320 विमानों की डिलीवरी लेना शुरू कर दिया है। इस डील से पहले टाटा ग्रुप के पास 218 प्लेन ऑलरेडी हैं, जो 52 डोमेस्टिक और 38 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को कवर करते हैं। इस डील के बाद एयर इंडिया का फ्लीट साइज दोगुना बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक रूट पर यह भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन जाएगी। तो जो एयर इंडिया घाटे में चलती थी, वही एयर इंडिया क्या कमाल करके दिखा रही है। लोग कहते थे एयर इंडिया क्यों बेच दिया, देखिए क्या से क्या हो रहा है एयर इंडिया। आज आपको यह भी बताऊंगा कि एयर इंडिया ने कौन कौन से प्लेन ऑर्डर किए और उसका आपकी उड़ान पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको भारत के उड़ान की तस्वीर दिखाता हूं, कैसे आज दुनिया इंडिया को सलाम ठोक रही है, आपको पहले उसे देखना चाहिए। जब यह डील हुई तो फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया को थैंक यू बोलते नहीं थक रहे, मतलब एक तरह से इंडिया के सामने जैसे हाथ जोड़े खड़े हों और धन्यवाद कर रहे हों, वो वाला हाल बना हुआ था। एक बार फ्रांस के राष्ट्रपति को सुनिए, उनकी भाषा पे गौर कीजिएगा। डियर प्राइम मिनिस्टर, डियर नरेंद्र, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी यू, इवन दिस इज जस्ट थ्रू दिस VTC, बट आफ्टर आवर मीटिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ द G20 इन बाली एंड द ग्रेट डिस्कशन वी हैड टुगेदर। And I want to congratulate you, your ministers present here, and our two CEOs, dear Chandra Sekaran and dear Mr. Fori, for this new success. And thank you very much for offering us the opportunity to celebrate this strategic partnership in the aerospace sector. France ka rashtrapati baith ke gina raha hai ki thank you, aapne humko mauka diya is sector mein Bharat ke saath judne ka। फ्रांस का राष्ट्रपति बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिला रहा है कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, पहले भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा था। क्या है ना, जब आपका सितारा बुलंदी पर हो तो दुनिया ऐसे ही बर्ताव करती है, और इस वक्त इंडिया और इंडिया के प्रधानमंत्री का सितारा बुलंदी पर ही है। लोग याद दिलाएंगे ही कि मैं देखिए ना, आपसे वहां भी मिला था, आपसे वहां भी मिला था। यही होता है बढ़ते लोगों के साथ, ये भारत की ताकत है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति अकेले नहीं थे जो इस डील से गदगद थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मोदी थैंक यू की रट लगाए हुए थे। उन्होंने तो बकायदा प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके थैंक यू बोला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मोदी मोदी और इंडिया इंडिया का राग जप रहे थे। ये सब क्यों इंडिया को सलाम ठोक रहे थे, उसकी वजह भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस डील की अहमियत को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि कल जब एयर इंडिया की फ्रांस की कंपनी एयरबस से डील हुई तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। ये तस्वीर आप देखिए, ये ऑनलाइन डील चल रही थी, उसमें अगर आप यहां तस्वीर डालिए, जरा दर्शकों को ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति फ्रांस, एन चंद्रशेखरन है एयर इंडिया के चेयरमैन, रतन टाटा चेयरमैन रतन टाटा ट्रस्ट के, और गुइलोम फौरी ये सीईओ है एयरबस के। ये सारे लोग उस वक्त एक साथ मौजूद थे जब ये डील हो रही थी। टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया। इसके बाद एयर इंडिया ने बोइंग के साथ भी करार को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत और फ्रांस की भागीदारी काफी अहम है। एक बार आपको प्रधानमंत्री मोदी को सुनवा देता हूं, फिर इस तस्वीर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताऊंगा। आज इंटरनेशनल ऑर्डर और मल्टीलेटरल सिस्टम की स्थिरता और संतुलन सुनिश्चित करने में
भारत फ्रांस भागीदारी प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है, चाहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता का विषय हो या वैश्विक फूड सिक्योरिटी तथा हेल्थ सिक्योरिटी। भारत और फ्रांस साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस की बात कर रहे थे, लेकिन वो फ्रांस की तरह थैंक यू के मोड में नहीं थे। लेकिन जब ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए, आपने एक बात गौर की, ये तस्वीर अडानी मोदी को लेकर विपक्ष के हर आरोप का जवाब है। जब एयर इंडिया की डील हो रही थी तब भी वहां नरेंद्र मोदी थे, और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं थे, फ्रांस के राष्ट्रपति भी थे, देखिए। लेकिन चूंकि कंपनी टाटा समूह है, रतन टाटा की कंपनी है, तो विपक्ष ने अडानी अडानी का नारा नहीं लगाया। अगर यहीं पर अडानी या अंबानी में से कोई बैठा होता तब तमाशा खड़ा हो जाता कि देखिए अडानी अंबानी का डील बैठकर नरेंद्र मोदी करा रहे। दूसरी बड़ी बात यह कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री दूसरी सरकारों पर दबाव डालकर विदेशों में डील दिलवा देते हैं कुछ लोगों को, वो देखें कि जब दो देशों के बड़ी कंपनियों के बीच कोई अहम डील होती है जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें औपचारिक तौर पर कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि व्यापार के बहाने दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ इस तस्वीर का कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने एयरबस को डील दिलवाने के लिए कोई बैटिंग की हो। यह पूरी तरह एक बिजनेस डील है जो दोनों तरफ के मुनाफे पर टिकी। एयर इंडिया को विमान चाहिए, एयरबस विमान बनाती है, दोनों के बीच यह समझौता हुआ और दोनों को इस डील से फायदा दिखा होगा, तभी यह डील हुई है। ऐसा नहीं कि सरकार के दबाव में यह डील हो गई। वैसे भी जो लोग पीएम मोदी पर कुछ खास बिजनेसमैन को मदद पहुंचाने का आरोप लगाते हैं, उनके हिसाब से चलें तो यह डील टाटा ग्रुप के पास नहीं अडानी ग्रुप के पास होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो भी तब नहीं हुआ जब एयर इंडिया को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप भी लाइन में था, लेकिन ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेटर जमा करने से पहले ही डील से हट गया। यह आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन यह तस्वीर आपको बता रही है कि कैसे फर्जी आरोप लगाए जाते हैं इस देश के। खैर, अब इस पर आते हैं कि बॉस डील इंडिया की कंपनी कर रही है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्यों इंडिया इंडिया मोदी मोदी करते नहीं थक रहे। इसके पीछे की कहानी यह है कि इस डील से जुड़े अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इस बात से खुश हैं कि उनकी मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को इस डील से कुछ गति मिलेगी, बड़ी कंपनियों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यानी इंडिया की डील ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में नौकरियां देगी। यह डील बताती है कि चीन की अर्थव्यवस्था के स्लो होने से जो गैप पैदा हुआ है उसे भारत भर सकता है, इसलिए तीनों देशों के प्रमुख खुश हैं। इस डील के होने के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और इस बातचीत में एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते पर भी चर्चा हुई। इसी से आप समझ सकते हैं कि डील कितनी बड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका की संसद में किसी ने जो बाइडेन पर यह आरोप नहीं लगाया कि उसने भारत पर दबाव डालकर बोइंग कंपनी को एयर इंडिया का ऑर्डर दिलवा दिया। वहां किसी ने नहीं बोला। हमारे यहां कोई अडानी अंबानी में से दिख जाता तो तमाशा हो जाता कि देखिए मोदी जी ने दिलवा दिया। इस डील को ऐतिहासिक बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान जारी किया और कहा कि मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते और खरीद की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर वे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को और गहरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह बोइंग के डॉलर मूल्य में तीसरी सबसे बड़ी डील है, संख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी बिक्री है। अब सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश और वहां का राष्ट्रपति कह रहा है कि उसे इस डील से गर्व हो रहा है। जो बाइडेन इसलिए इतने उत्साहित है क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह उन्हें अपने देश के हिसाब से दिख रही है और अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से। माना जा रहा है कि यूएस में 44 राज्य हैं, वहां पर ये 10 लाख नौकरियां देगी ये डील। इस डील से 10 लाख नौकरी अमेरिका के 44 राज्यों में पैदा होगी और कई जॉब ऐसे होंगे जिनके लिए कॉलेज की डिग्री की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए अमेरिका इंडिया को सलाम ठुकरा है। जो बाइडेन कह रहे हैं भैया तुमने मेरी नौकरी बचाई, मेरी कुर्सी बचाई, क्योंकि वहां ऐसी मंदी चल रही है कि नौकरियां जा रही। इतना ही नहीं, जब बात कर रहा हूं कि अमेरिका इतना खुश है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस सौदे पर खुश हैं। वो कह रहे हैं कि यह सौदा वेल्स और डर्बी शायर में अत्यधिक कुशल नौकरियों का समर्थन करेगा, निर्यात को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करेगा।
एयर इंडिया, एयरबस और रोल्स रॉयस के बीच ये ऐतिहासिक सौदा दर्शाता है कि ब्रिटेन के फलते फूलते एरोस्पेस क्षेत्र के लिए आसमान की सीमा है और यह डील बुलंदियों को छू। यानी ब्रिटेन भी गदगद है क्योंकि वहां भी नौकरियां मिलेंगी। दरअसल बोइंग की कई वर्कशॉप ब्रिटेन में, जो बोइंग के विमानों के अलग अलग हिस्से बनाती हैं, तो इस डील से ब्रिटेन के एविएशन सेक्टर में भी नौकरियां आएंगी और ब्रिटेन को उम्मीद है कि वहां एविएशन इंजीनियरिंग और ट्रेनिंग में 5,000 करोड़ के एक्सपोर्ट में उछाल आएगा। तो ब्रिटेन अलग खुश क्योंकि वहां तो भाई पिछले 2 प्रधानमंत्री चले गए मंदी नहीं दूर कर पाने और नौकरियां जाने की वजह से, तो ऋषि सुनक को लग रहा भैया मेरी कुर्सी तो कुछ दिन बच गई। जो बाइडन उधर अलग खुश कि कुछ पब्लिक को बोलने के लिए मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति अलग गदगद, थैंक यू मोदी, थैंक यू इंडिया। ये आज की डेट में इंडिया की ताकत। अब इस बात का जवाब दूं कि भाई जब दुनिया मंदी को लेकर घबराई हुई है, उस वक्त एयर इंडिया में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वो इतने पैसे लगा रहा है? भाई बाकी कंपनियां तो घबराई हैं, एयर इंडिया 6.5 लाख करोड़ कहां से लगा रहा है, उसको ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? आज वो बताऊं, उससे पहले आपको इस डील में आपके लिए क्या है वो भी बताता हूं। और आपके लिए इस डील में क्या है ये समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि एयर इंडिया कौन कौन से विमान खरीद रहा है और उससे आपकी हवाई यात्रा कितनी सुखद होगी। अमेरिका की बोइंग कंपनी से एयर इंडिया 290 विमान खरीद रहा है और कंपनी जरूरत के मुताबिक एयर इंडिया ने बोइंग को अलग अलग विमान का ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे अगर आपको बताऊं कि 190 विमान 737 मैक्स मॉडल के, 20 विमान 787 ड्रीम लाइनर, 10 विमान 777X एयरप्लेन है। ये बोइंग के सबसे एडवांस तकनीक मॉडल के विमान माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल दुनिया की कई बड़ी एविएशन कंपनियां करती हैं। इसके अलावा एयर इंडिया ने बोइंग से 50 अतिरिक्त विमान खरीदने का भी विकल्प खुला रखा है। इसमें 737 मैक्स होगा और 20 विमान 787-9S एयरक्राफ्ट। इसी तरह फ्रांस की कंपनी एयरबस को एयर इंडिया ने 250 विमान का ऑर्डर दिया है। उसमें 40 विमान A350S होंगे और 210 विमान A320 और 321 होंगे। अब कहेंगे बॉस इतना आपने आंकड़ा बता दिया, हमको कैसे पता चलेगा इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? अरे भाई वो भी बता रहा हूं। एयर इंडिया की इस डील में एक बात नोट करने वाली है और वो है विमानों की वैरायटी। एयर इंडिया ने इस डील के लिए 10 तरह के विमान ऑर्डर किए और इस डील में भारत में बढ़ती सिविल एविएशन इंडस्ट्री के ग्रोथ के आंकड़े भी छुपे हैं, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले विमान की खासियत सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या फायदा है। जो पहला विमान आपको बता रहा था 737 मैक्स, इसमें 138 से 204 यात्री बैठ सकते हैं और यह 6,000 से 7,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस विमान को एयर इंडिया डोमेस्टिक जर्नी यानी देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर की हवाई यात्रा के लिए इस्तेमाल करेगा। मतलब आपको आरामदायक नए चमचमाते विमान में घूमने का मौका मिलेगा। यह विमान एक दिन में 3 से 4 शहरों की यात्रा कर सकता है। भारत में डोमेस्टिक विमान और यात्रियों की संख्या और बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरा विमान जो ऑर्डर हुआ है वह है 787 ड्रीम लाइनर। यह 737 मैक्स से बड़ा है और इसमें 248 से 336 यात्रियों के बैठने की सुविधा है और 11,000 से 13,500 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। यानी इसका इस्तेमाल लंबी दूरी की इंटरनेशनल यात्रा में किया जा सकता है। तीसरा विमान जो ऑर्डर किया है वो है 777X। नाम में ही एक्स से क्लियर है कि बड़ा विमान है। वो आजकल देखते हैं ना, मोबाइल में भी लगाते हैं एक्स, तो उससे बड़ा हो जाता है। इसकी कैपेसिटी 384 से 426 यात्रियों की है और इसकी रेंज 13,500 किलोमीटर से 16,170 किलोमीटर है। यानी यह विमान आपको एक बार में दिल्ली से न्यूयॉर्क बिना रुके ले जा सकता है। अभी ज्यादातर फ्लाइट्स फ्यूल और पैसेंजर के लिए एक या दो जगह पर स्टॉपेज लेती है। इस डील से एक बात साफ है कि एयर इंडिया को भारत में एविएशन इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तभी तो कोई भाई 6.5 लाख करोड़ लगा देगा, ऐसे हवा में थोड़ी लगा देगा। लेकिन यह ग्रोथ कैसे दिख रही है, एयर इंडिया ने इतना बड़ा दाव क्यों खेला है, इसको समझना है तो कुछ आंकड़े आपको देखने होंगे। इस डील से पहले एयर इंडिया ने इन्हीं आंकड़ों को देखा और तभी इतना बड़ा दाव खेला। एयर इंडिया को क्या दिख रहा है? एयर इंडिया को यह दिख रहा है कि जो विमान में घूमने वाले यात्री हैं उनकी संख्या अगर आप देखेंगे
वो 2022 में करीब 34.4 करोड़ थी, मतलब करीब 34.5 करोड़ यात्रियों ने 2022 में सफर किया। अनुमान यह है कि 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 41 करोड़ का हो जाएगा, मतलब करीब 7 करोड़ यात्री और आने वाले हैं मार्केट में। तो एयर इंडिया को कॉन्फिडेंस है कि इंडिया जो है वो बढ़ रहा है, इंडिया में यात्री बढ़ रहे हैं, पैसा लगाएंगे तभी पैसा कमाएंगे। विमान की संख्या अगर आप देखेंगे कैसे एविएशन सेक्टर जो है वो बूम पर है इस वक्त इंडिया का, उसको देखिए 2014 में भारत में कितने विमान थे, टोटल 400। 2022 में ये बढ़कर हो गए 710 और 2025 के लिए अनुमान है कि भारत में जितने विमान फ्लाई कर रहे होंगे उसकी संख्या होगी 1200। कार्गो विमान 2018 में 7 थे, 2021 में 28 हो गए। अब देखिए एयरपोर्ट, क्योंकि एयर इंडिया को यह भी दिख रहा है कि भैया इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं तो लोग होंगे, तभी तो सरकार बना रही है ना, जाएंगे लोग। 2014 में भारत में 74 एयरपोर्ट थे, 2022 में बॉस ये बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गए 140, और 2025 के लिए अनुमान है कि 220 एयरपोर्ट होंगे इंडिया के अंदर। मतलब यहां यात्री भी दिख रहे हैं, उन यात्रियों के लिए एयरपोर्ट भी दिख रहा है, तभी एयर इंडिया कह रहा है कि भैया पैसा लगाओ, यही सही समय है। और इतना ही नहीं, जो एविएशन सेक्टर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां हैं, 2022 में करीब 2.5 लाख थी, 2024 में करीब करीब 3.5 लाख डायरेक्ट नौकरियां और इनडायरेक्ट 2 लाख नौकरियां ऐसी हो जाएगी। यानी एयर इंडिया को पता है कि इंडिया में जब एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था रॉकेट बन रही है, तो यात्रियों की और मुनाफे की कोई कमी नहीं रहने वाली, और इसलिए वो खुलकर बैटिंग कर रहा है। वरना बॉस आज की डेट में 6.5 लाख करोड़ लगाने के लिए ना कलेजा चाहिए, ये इंडिया पर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। अच्छा, सिर्फ एविएशन सेक्टर की बात नहीं है, भारत नया इतिहास लिखकर दुनिया को रोजगार सिर्फ यही नहीं दे रहा, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भारत की ग्रोथ से विदेशी कंपनियां जमकर मुनाफा कमा रही, उनके यहां रोजगार बढ़ रहा है। इटली की लग्जरी कार निर्माता कंपनी है लेम्बर्गिनी, गाना नहीं सुना है लेम्बर्गिनी दिलाई दो, वो भारत में इस साल उसकी कारों का स्टॉक पहले ही बिक गया, अभी 2023 शुरू हुआ है, वो कह रहा है पूरे साल में मैं जितना बेच सकता हूं इंडिया में बिक गया। कंपनी ने 2022 में 90 कार बेची थी, जो 2021 के मुकाबले 30% ज्यादा थी, और इस साल 100 से ज्यादा कार बेचने का प्लान है, और उसकी एक एक कार इतनी महंगी है कि 100 कार भी बहुत है। जर्मनी की कार कंपनी ऑडी का कहना है कि ऑडी इंडिया ने 2022 में 4,187 यूनिट डिलीवर किए थे, जो कि 2021 की तुलना में 27% ज्यादा है। जर्मन कार कंपनी है पोर्शे, इसने भारत में पिछले साल 64% का ग्रोथ दर्ज किया है और 779 कारें बेची। ये सब बहुत महंगी महंगी कारें बेचने वाली कंपनी है, तो इंडिया में पैसा है तब ना लगा रहे हैं लोग हवा में। अच्छा, इंडिया के अच्छे दिन की जब बात कर रहा हूं, आप देखिए एविएशन सेक्टर बूम पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम पर, अभी मैंने आपको हाल में बताया था कि कैसे लिथियम का बड़ा खदान मिल गया, अब अपना लिथियम, अपनी बैटरी, अपना दुनिया को लिथियम बेचेंगे सो अलग। तो इंडिया जो है वो बम बम हो रहा है, और इतना ही नहीं कि सिर्फ रोजगार दे रहा है बल्कि दुनिया का पेट भरने की भी तैयारी कर रहा है। आपको यह आंकड़ा भी सुनना चाहिए कि 2023 में जब दुनिया खाने के लिए परेशान है कि कहां से गेहूं आए कहां से चावल, रिकॉर्ड गेहूं का प्रोडक्शन होने वाला है इंडिया के अंदर, मतलब खाने की भी कोई कमी नहीं। 4.1% का जंप आने जा रहा है पिछले बार के मुकाबले, करीब करीब 11.2 करोड़ टन गेहूं भारत में इस बार प्रोडक्शन होने वाला है, यानी 40 लाख टन ज्यादा गेहूं का उत्पादन होगा। 2023 में भारत का कुल अनाज उत्पादन 32 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो 2.5% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले, 80 लाख टन ज्यादा अनाज उत्पादन होगा। तो इंडिया न सिर्फ दूसरों को नौकरियां देगा, दूसरों को खिलाएगा भी, और यह है आज का नया इंडिया, यह है भारत की सक्सेस स्टोरी। और अनलेस एंड अंटिल कि आप कोई एजेंडाधारी, आपको यह सुनकर गर्व महसूस होगा।